एमसी की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या अलग है? नहीं, हमारे तरफ से जैसे हमें बीसीसीआई और आईसीसी की जो गाइडलाइन है उसी तरह से हम लोग ने पूरी अरेंजमेंट लास्ट चार मैच भी की है और ये मैच के भी आने, उसी बेहतरीन हम क्या अच्छा कर सकते हो ऐसी पूरी हमारी एपेक्स काउंसिल, हमारे जो अध्यक्ष है अमोल काले जी, उनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर जैसे बीसीसीआई ने हमको कहा था वो तो है ही, वापस हमारे अध्यक्ष जी ने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का सब स्पेक्टेटर्स को फ्री हम लोग ने प्रोवाइड किया है। बाद में हमारा माइन्यूट लेवल पे टॉयलेट्स होगा या स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इस हर चीज पे हमारा एकदम माइक्रो लेवल पे प्लानिंग हो के हमारे हर मेंबर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि हर मैच इधर बेहतरीन ही रहा और एक अलग एग्जांपल सेट करके दिया है। ग्राउंड्स को लेकर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें मुंबई की काफी तारीफ हुई, जो शुरू के तीन मैचेस थे सभी 350 से ऊपर के रन बने और चेस करने वाली टीमों ने भी अच्छा किया वहां पे हमने देखा। तो बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है इस ग्राउंड पे, बैट्समैन के लिए भी कुछ ना कुछ है इस ग्राउंड पे, तो पिच को लेकर के जो तारीफ हुई है उसका क्रेडिट एमसीए किसको देना चाहेगी खास करके? हमारे जो क्यूरेटर्स है और ग्राउंड्समैन है उनका जो काम है वो मतलब अप टू डेट या टाइम टू टाइम उन्होंने प्रूव भी किया इसके पहले भी और वो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और हमारी पूरी अपेक्षा काउंसिल में है वो उसको बैक करते रहते हैं वो चीज को। पिच तो आईसीसी के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही बनती है, लेकिन सेमीफाइनल के लिए थोड़ा समय मिला है तो थोड़ी ग्रीनरी और बढ़ाई गई है क्या, या कुछ पिच को कुछ और नया शुरू नहीं है? जो गाइडलाइंस आईसीसी और बीसीसीआई ने वो हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और आप मतलब देख सकते हैं मैच में भी उसका नतीजा या उसका क्या मतलब आउटकम है वो आपको दिखाई दे। मैच बड़ा है तो लोगों की उम्मीदें भी बड़ी होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग फिजिकली आकर के मैच देखना चाहेंगे यहाँ पे, उसके लिए टिकट्स को लेकर बहुत प्रेशर होगा कि बुक माई शो पे टिकट्स काफी पहले से ही फुल हो गई है खुलते ही और इंडिया का मैच है तो और ज्यादा प्रेशर होगा एमसीए पे, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल कर रही है? प्रेशर मतलब आपने देखा होगा हम सब लोग को फेस कर रहे हैं, जिस जो हेल्प कर सकते हैं हमारे मुंबई के लोगों को, स्पेक्टेटर्स है पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं इधर, उनको हम लोग जितना गाइड कर सकते हैं, जितना हम लोग उनको हमारे मेंबर्स हैं एमसीए के उनको भी हम लोग जितना हेल्प कर सकते हैं हम कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पर जितना कैपेसिटी है उतना ही हम हेल्प कर सकते हैं सबको। कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी जो है भारतीय टीम के उनके बारे में लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इस बात की संभावना भी है कि शायद ये उनका आखिरी विश्व कप हो, और अगर ये उनका आखिरी विश्व कप है तो मुंबई या वानखेड़े पे उनका आखिरी मैच भी हो सकता है विश्व कप के लिए, तो उस लिहाज से क्या कोई विशेष तैयारी करने की आपके मन में बात है या कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ करना चाहिए? नहीं, अभी तक हमारा ऐसा एज हमारे एपेक्स काउंसिल में ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर ऐसे ही हम अध्यक्ष जी से हमारे डिस्कस करेंगे।